है तो जिताना है, 80 का 80 सीट लाना है। बिगड़ल आसार का गुर हम देश राजभर इन्हें खही जोगवन फेकही जोगवन, इनको बिल्कुल फेंकना चाहिए। और ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई दी कुहार लोहार धोबी दूसरा आदमी मला अपाल प्रजापति सब हमारे साथ लगे हुए घोसी लोकसभा में है। और हमारे पीछे तमाम जो कार्यकर्ता आप लोग देख रहे होंगे पीला गमछा से समझी गए होंगे कि किस पार्टी के लोग हैं। आइए हम बात करते हैं क्योंकि परिचय हो जाए। नेताजी का नाम? जी सर, हमारा नाम सदानंद राजभर ब्लॉक अध्यक्ष चिलघर सुभाषपा पार्टी। अच्छा, सुभाषपा से हैं? जी सर। तो कैसे अरविंद जी जीत रहे हैं यहाँ से? अरे सर जीत रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, अरे आपको पता नहीं चला सर? अरे यहाँ से भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो 400 सीट जीतेंगे मोदी जी लेकिन ये घोसी हारेंगे, इस तरीके से बातें हो रही हैं। ऐसा कोई नहीं है, भाजपा के सारे लोग लगे हुए हैं और जो भी भाजपा के लोग हैं ठाकुर और ब्राह्मण को मैं पर्सनल कह रहा हूँ, ठाकुर ब्राह्मण बनिया और ये जाने वाले नहीं है कहीं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए ये सब लग चुके हैं। देखिए हमारे उमेश सिंह हमारे साथ में लगे हुए हैं। लगे हैं लेकिन कह रहे हैं लोग कि इस सीट नहीं जीतने देंगे। अरे नहीं, आपके राजभर समाज के लोग ही हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, जो लोग कह रहे हैं ना वो सब बिकाऊ माल है, वो एकदम रगड़ कर घिस कर जो फेंक दिया जाता है वैसे वो सब पार्टियों में से निकाल के, जब सपा में थे बहुजन कोट मांगे, बहुजन में थे तो सुभाषपा कोट मांगे, सुभाषपा में थे तो भाजपा कोट मांगे, अब भाजपा में गठबंधन हुआ है तो दलाली करने की उनका आदत है कि पार्टी में तो पार्टी देगी 500 और अब विपक्ष में जाएंगे तो मिलेगा 10,000, 10 आदमी को इकट्ठा कर लेंगे तो इकट्ठा कर करके वो दो चार पांच आदमी वो करके कहीं देखे गांव में, कहीं उनका प्रचार गांव में करते हुए देखे हैं कि लेकिन वो भाजपा के ही लोग हैं ना, वो तो कहीं दूसरी पार्टी के हैं नहीं, वो भाजपा के, भाजपा में ही एनडीए गठबंधन में मंत्री जी भी हैं। देखिए वो आज कल बता दूं अनिल राजभर जी आए थे, अनिल राजभर जी प्रचार करके गए कि नहीं ओम प्रकाश राजभर को कोई विरोध ना करें। ये विरोध करने वाले जो लोग हैं ये जो अवधेश राजभर हैं, ये अंधर में क्या नाम है गुलाब राजभर हैं, ये लोग ये पहले से, देखिए अभी गाँव का प्रधान जीत आए थे, वो प्रधान ने उनको 70,000 रुपया देकर उनका घर मकान बनवाया, उनकी शादी में भी सहयोग किया, उनके दरवाजे पर जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो प्रधान ने उनको बोला कि अपने माध्यम से तुम बनवा लो, हम पैसा दे देता हूँ, वो अपने माध्यम से बनवाए, सारा व्यवस्था कर दिया और उसी के ऊपर बेचारा के जाँच करवा दिए। आप लोग खुद गए थे देखे थे मीडिया के माध्यम से कि उसी के ऊपर जाँच करवा दिए। अनिल राजभर जी समझ नहीं पाए बेचारे, वो तो मंत्री हैं, वो क्या जानते हैं यहाँ गाँव का राजनीति, लेकिन गांव में यह विपक्षी का भूमिका निभाने वाले, अगर दलाली का काम करने वाले और समाज के बेचने वाले किनने वाले अगर काम कोई करता है तो अवधेश राजभर जी ने करते हैं। पहले ही बता दिया घिसा हुआ तालाब का पानी है वो जो कि आषाढ़ आ गया तो एक सियार था, जब गंगा जी बढ़िया गई ताल बढ़िया गया तो देखा कि अरे यार हमारे साथ तो इतना पानी हो गया, अब तो क्या हो गया, अब तो हम गंगा जी से ब्याह करने लायक हो गया हूँ, वो तलौवा कह रहा है कि अब तो हम गंगा जी से ब्याह कर लेंगे। तो गंगा जी से जा कहा कि हम आपसे ब्याह करना चाहता हूँ, तो गंगा जी ने कहा कि देखो इस समय ब्याह हमसे क्या करोगे, ब्याह करना है तो चैत में आकर हमसे ब्याह करना, और चैत में पता चला कि उसमें फट के दरार हो गया है। वही हाल अवधेश राजभर को है, जमीन उनके घसक चुकी है, वो इधर उधर भागने का और उनको बदनाम करने के लिए आपको कह रहे हैं कि हम जागो राजभर जागो दल में हम पहुंच गया हूँ। पहले देख लीजिए, पहले सुभाषपा में थे। अच्छा नहीं तो आप बताइए जागो राजभर जागो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो बढ़िया काम है, और लेकिन उन लोग ये भी कह रहे हैं कि नोटा दबाने का, हम लोग घोसी में प्रचार कर रहे हैं कि नोटा दबाइए आप लोग। देखिए और हम तो जहाँ भी सुन रहे हैं अवधेश जी की बात सुन रहे हैं, ये तो भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि हमको मोदी जोगी को जिताना है, 400 पार करना है, और यहीं पर वो कह रहे हैं कि मैं अरविंद राजभर जी को हराऊंगा, वोट नहीं दोगे, तो अनिल जी को सोचना चाहिए और भाजपाओं के नेता को सोचना चाहिए कि ये बिगड़ल आसार का गुर होंगे अवधेश राजभर, इन्हें खही जोगवन फेंकही जोगवन, इनको बिल्कुल फेंकना चाहिए। और दूसरी चीज की अभी ये जहूराबाद में जा करके नीरज शेखर को हराने का काम कर रहे हैं, और ये सनातन पांडे का वोट मांग रहे हैं सनातन पांडे के लिए सपा से, ये अवधेश राजभर को जिधर पैसा मिलेगा वो माल ऐठना चाहते हैं, ये बात तो अनिल जी को सोचना चाहिए। और हमारे जहूराबाद में जाकर के नीरज शेखर को वो ये कह रहे हैं कि 400 मोदी जी 400 सीट जीतेंगे लेकिन उसमें से एक सीट जो है ये घोसी नहीं जीतेंगे क्योंकि ये जो है हारने जा रहे हैं। वो देखिए वो हमने कहा ना कि बिगड़े या सारे का गुरु बाड़न,
उनके समझ में नहीं आवा तो भरौटी में लोग जोहत हुआ उनकरा के राजभर जोहत हुआ उनको स्वागत बढ़िया से करियान। यहाँ हम लोग मोदी जी के लिए दिन रात योगी जी के दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग। 12 मार्च से हम लोग गाँव गाँव चल के घूम रहे हैं और एक सीट कम करने की बात कर रहे हैं। एक राजभर का लड़का लड़ा हुआ है अरविंद राजभर जी और उनको परहेज नहीं, वो भी तो राजभर हैं। अगर ये दिल्ली चले जाते हैं अरविंद राजभर जी तो मंत्री बनकर आएंगे। और अवधेश जी भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको समझाइए, न तो राजभर जिस दिन पगलाएंगे ना उस दिन तो उनको समझा देंगे अवधेश जी को जी। अच्छा आइए आप चलिए इधर आइए इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश सिंह। अच्छा तो क्या लग रहा है घोसी से कह रहे हैं भाजपा वाले की विरोध कर रहे हैं उनका अरविंद राजभर जी का, कह रहे हैं कि उनको हराना है इस बार? देखिए हम लोगों को राजभर राजदास से मतलब नहीं है, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्देश हुआ जिसको भी उसको हम लोग दल बल के साथ वोट देंगे। अरविंद राजभर जीतेंगे? जीतेंगे नहीं तो क्या, अरविंद राजभर से छोटे छोटे नेता जीत जा रहे हैं भाजपा की लहर में तो यही नहीं जीतेंगे, बहुत ज्यादा और से जीत रहे हैं। अब तो 4 तारीख को परिणाम आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा परिचय बताएं। जी मेरा नाम चंदन है, चंदन राम जी। और ये जिला का जिला अध्यक्ष पद पर हूँ और बूथ अध्यक्ष अभी काम। चंदन राम आप दलित समाज से आते हैं? जी जी। अच्छा तो आप भी मंत्री जी के साथ हैं? जी। घोसी में? हम तो खुलेआम डॉक्टर अरविंद राजभर के पक्ष में हैं और हमारे जितने सहयोगी हैं सारा लगे हुए हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 3 लाख वोटों से विजयी होगा डॉक्टर अरविंद राजभर का। अरे यहाँ भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, निषाद पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमको कुर्सी नहीं मिल रही है, वहाँ पे इज्जत नहीं मिल रहा है, लोग बड़े विरोध में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि जीतेंगे वो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अलग अलग सबका सोच अलग अलग होता है। चुक सबसे हो जाती है। सम्मान तो सबको एक समान मिलता है पार्टी में, ऐसा कोई तो अभी नहीं है, हम तो नहीं देखे अभी। अच्छा। नहीं जैसे अपने जो अलग अलग जो है बर्ताव किया जा रहा है ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टी वैसा कुछ चढ़ा बढ़ा कर कुछ बात बोले। अच्छा आपके साथ दलित समाज कितना खड़ा है, क्योंकि बहन मायावती जी के साथ भी तो है लोग? जी हमारे साथ तो लमसम मान कर चलिए कि 2500 से 3000 लोग हमारे साथ में हैं। अच्छा हाँ, इतने आसपास में जितने गांव के तमाम गांव में हमारे कास्ट के लोग साथ हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ में हैं और उनका छवि एक नौजवान नौजुवक पीढ़ी का एक जुझारू नेता है। और जो भी बात बोलते हैं फ्रेंकली सही बोलते हैं और गरीब तबके को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, ताकि दो बात बोलते हैं। इस बार कह रहे हैं विपक्ष वाले कि जो है इस बार सरकार बनी तो संविधान बदल देंगे, इस तरीके से बातें हो रही हैं, आप जो है भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बोलने वाले तो बहुत कुछ लोग बोलेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं हमने सुना है, नहीं हो सकता है। कह रहे हैं ना विपक्ष में लोग, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा भाई, अपना सत्ता को इधर उधर करने का तो कुछ भी बोलेगा, ऐसा कुछ तो हम नहीं मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप अब इधर इधर थोड़ा सा भैया 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 क्या नाम पड़ेगा? हाँ नाम लक्ष्मण राजभर पड़ेगा। अच्छा कहाँ से हैं? हम यही गोरा से हैं। अच्छा घोसी लोकसभा से जी। तो क्या लग रहा है आप युवा हैं, युवाओं की बात को उठाएंगे अगर अरविंद राजभर जी जीतते हैं तो? एकदम उठा रहे हैं, युवाओं की तो बात कर रहे हैं। कहा जा रहा विरोध भी हो रहा है बहुत आपके घोषणा? अरे विरोध विरोधियों का विरोध करना है वो तो विरोध करते ही रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? एकदम फर्क नहीं पड़ेगा, 4 तारीख को प्रोग्राम मिल जाएगा उन लोगों को। भैया भगवान को लोग विरोध करने वाले हैं कि पूजा मत करने जाओ, क्या दुनिया पर भगवान को छोड़ दिए हैं? आज भी भगवान को पूजा करा और क्या नाम है कि प्रधानमंत्री को लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री के लोग छोड़ दिए हैं? एक आदमी अगर विरोध कर रहा है, अगर एक आदमी के साथ दो आदमी हो जाएगा तो विरोध करने से क्या होगा, जहाँ लाखों संख्या एक साथ है और ये दो आदमी निकल करके कूदेगा उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी के सहयोग से, योगी जी की प्यार मोहब्बत सब कुछ मिल रहा है। और ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई भी कुहार लोहार धोबी दूसरा आदमी मला अपाल प्रजापति सब हमारे साथ लगे हुए, ये कहने वाली बात नहीं है, सब जाति हमारे साथ है। देखिए आप खड़ा कर पूछ लीजिएगा, पासवान भी आए हैं, गोंड भी आए हैं, शर्मा जी भी आए हैं और क्या सब भाई हमारी भाजपा के जितावल जाए, जितना जितना मेहनत कल बनी उतना कल भाजपा के जितावल जाए।
भाजपा कहाँ जीतेगा कहते हैं लोग कि जो ना संविधान विरोधी है भाजपा से का मतलब हमन के भाजपा के जिताए के बा हमन खाली मोदी बहुत कुछ कहले बणा मोदी को जोगी को जिताना है तो जिताना है 80 का 80 सीट लाना है। कौन कहता है कि हार रहे हैं भाजपा के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण छत्री लाला ठाकुर और चमार कुर्मी सभी वोट दे रहे हैं। आ यहाँ पर कोई कह रहा है विरोधियों तो लाखों अपना बात बना रहे हैं, लाखों विरोध कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के गुमराह कर रहे हैं, ये हम नहीं मानने वाले हैं। हमको 80 के 80 सीट जीतना है, घोसी में तो जीतना है। अच्छा। और मोदी जी का सपना का पूरा करना है। 400 राजभर भारतीय समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सेक्टर प्रभारी हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। विरोधियों कुछ भी कहे, हम लोग अरविंद राजभर घोसी क्षेत्र से जीतने जा रहे हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक पाएगा। संघ उमेश सिंह भी साथ में है हमारे, हमारे एक शर्मा जी हैं, भाई पटेल जी हैं, भैया क्या कहते हैं धोबी पासवान जी हैं, सभी जात हमारी संग लग चुकी है। चलिए इस समय तन धन से लगी हुई। हाँ चलिए, इस समय में घोसी लोकसभा में था और यहाँ पर तमाम जो लोग थे इनसे बात करने का प्रयास किया, तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।